मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज आरके टेक्चरियन की स्थापत्य कला. द सुल्तान्स ब्रॉट अलोंग विद देम रेनॉल्ड आर्टिशियंस एंड स्कल्प्टर्स फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. द आर्किटेक्चर ऑफ मुस्लिम इन्वॉल्वड थ्री सिग्निफिकेंट फीचर्स, मेहराब, गुंबद एंड मीनार, which are visible in all their structures. Look at the gumbad below, which is not solid but empty from inside. A solid gumbad could either be constructed by cutting and shaping a big piece of stone or by placing one piece of stone over the other. While constructing a gumbad empty from inside, fixing of stone or bricks with lime and the paste of mud was essential. The experiment was started by the artisan and sculptors from Persian and Central Asia. The artisans and sculptor from Indian and those who came from Iran and Iraq learned a lot from each other. As a result of mingling of India and Muslim style, a new style of architecture popularly known as Indo-Islamic architecture developed. ईरान का तुर्क कारीगर जब भारत में आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी अपने साथ आए थे. इस किला की इमारतों में आपको कोई ऐसी बात नजर आए जो स्तूपों और मंदिरों में नहीं दिखाई देती थी. सल्तनतकालीन इमारतों को तीन खास बातें थी उनकी, मेहराब, गुंबद और मीनार, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती थी. कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई थी. ईरान में तुर्क कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी. उन कारीगरों ने भी भारत के कारीगरों के हुनर को सीखा. मंदिर, मेहराब व गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर उन्हें तराशा गया और खंभे बनने लगे. उनके तराशे हुए खंभे बनने लगे. आपके आसपास भी कुछ मंदिर या मस्जिद होंगे, क्या ऐसी कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं? अगर देखने को मिलती तो आप उन्हें ध्यान से देखिए कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कि उस समय कैसे थे और आज वर्तमान समय में कैसे हैं.